हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक आज की ताजा खबर भारत ने किया मालदीव्स का हुक्का पानी बंद वेरी गुड

है हेल्थ सप्लाईज का और भारत की मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री का जिसपे मालदीव के लोग सस्ते इलाज के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं इस आर्टिकल को देखिए जहाँ ये साफ तौर पे जाहिर है कि अगर भारत ने मालदीव के लिए मेडिकल सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी तो इस छोटे से आइलैंड देश के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है दवाइयाँ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वैक्सीन और मशीन के लिए आज मालदीव भारत के पांव पकड़ता है और यही वजह है कि जब भी दवाइयों के अलावा सस्ती सर्जरी की बात आती है तो मालदीव तो छोड़िए दुनिया के डेवलप्ड देशों के लोग भारत आके अपना इलाज कराना ज्यादा पसंद करते हैं पूरी अपडेट क्या है जिसके बारे में नंबर्स के थ्रू जानेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन दबा दीजिए यह आपके लिए केवल एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है यह मालदीव्स के लोगों का कहना है की मालदीव के पॉलिटिशियंस भारत से पंगा लेकर सिंगापुर और मलेशिया जैसे महंगे देशों में अपना इलाज करा सकते हैं लेकिन ऐसा करके इन्हीं के नेताओं ने अपने सिटीजन की जान को खतरे में डाल दिया है क्यूँकी अब वहाँ की आम जनता को खतरा है की अपने इलाज के लिए इन्हें भारत का वीजा न मिल सके आज डेटा के, के? के बेसिस पे तो दो की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल टूरिज्म के नाम पे भारत आने वालों में मालदीवियन लोगों का तीसरा नंबर था वही दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भारत अपना इलाज कराने आते हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया से करीबन दो मिलियन यानी कि बीस लाख से ज्यादा लोग भारत अपनी किसी मेडिकल प्रॉब्लम को सही करवाने के लिए आते हैं और जिसकी वजह से भारत सालाना 6 बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन रेवेन्यू कमा पाता है कमाल की बात यह है कि 2026 तक इसके बढ़कर 13 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अंदाजा लगाया गया है अपने आप को मालदीव का हितैषी बताने वाला पाकिस्तान खुद भारत में डिपेंडेंट है और पाकिस्तान के अलावा इराक ईरान तुर्कमेनिस्तान और इवन रशिया से हर साल सात लाख से ज्यादा लोग भारत आते हैं आज की डेट में भारत जेनरिक मेडिसिन को लेकर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है इनफैक्ट साल 2023 में भारत से 25 बिलियन यूएस डॉलर की दवाइयों को एक्सपोर्ट किया गया था। और ग्लोबल जेनरेट मेडिसिन के मार्केट में भारत का बीस प्रतिशत ज्यादा शेयर है मालदीव ने सीना टान की कुछ काफी बड़ी बातें भारत के खिलाफ बोल तो दी है लेकिन इसके काफी बड़े परिणाम मालदीव को झेलने पड़ सकते हैं केवल दवाइयाँ ही नहीं बल्कि खाने पीने का राशन कपड़े और खारे पानी को मीठा बनाने वाली मशीन तक मालदीव भारत से आज की डेट में इंपोर्ट करता है और जिस दिन भारत ने अपने इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट मालदीव को बंद कर दिया उस दिन मालदीव को पीने का पानी तक मिलने में मुश्किल आने लगेंगी भारत में पंद्रह हजार ऐसी ज्यादा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ऑपरेशन हैं और महामारी के दौरान मालदीव को इन्हीं यूनिट से दवाइयों की सप्लाई की गई थी ऐसे टाइम पे जब सभी देश केवल अपने नागरिकों को बचाने पे पहले फोकस कर रहे थे खैर हमें ऐसा लगता है कि मालदीव के आम नागरिकों को किसी भी तरह से भारत से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि शायद भारत ही अकेला ऐसा देश है जो सबसे ऊपर मानवता को रखता है भले ही मालदीव के लीडर आतंक और गंदी सोच के शिकार हो पर मालदीव की जनता के फर्क करना जानती है बाकी कॉन्टेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक के बिना मत जाएगा धन्यवाद जय हिंद यही हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि मानव मानवता ह्यूमैनिटी के लिए हम कर रहे हैं चाहे वो दूसरा देश आपके तुम साथ हमें भी भी मारो मगर कोई बात हाँ, नहीं नहीं भैया तुम एक थप्पड़ मारो अभी होना चाहिए तुम्हें दो पढ़ने चाहिए इस टाइप का मैं तो ये मानता है पहले मैं मानती थी पहले मैं गांधी जी के बोलते थी कि एक थप्पड़ हो तो दूसरा कर लो पर जैसे जैसे मेचोरिटी एक्सपीरियंस और लोगों से मिलके और सब कुछ देख के पता चलता है ना तब वो चीजें जो है ना चेंज होती हैं कि रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकल नहीं है ये रियल लाइफ में तुमको खा जाएंगे सीधे बने तो दुनिया खा जाएगी तुम्हारा फायदा उठाएगी दिस इज रियालिटी आपको स्मार्ट होना पड़ेगा अब देख लो कि अभी इनको अपनी पड़ी हुई है हाँ कि भाई हमारे हम कैसे मेडिसिन हमें नहीं मिलेगी ये सिर्फ मैं 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 कर रहे हैं मालदीव से जो आ रहे हैं उनको हम अलाउ नहीं करेंगे नहीं मिलेंगे। इस टाइप की कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए जब तक वो ठीक नहीं होते ठीक कैसे होंगे कि भैया जो ये कह रहे थे कि हमारी मिलिट्री को निकालेंगे उन्हें कहो वापस उनको करो और बल्कि अब जितने अगर सेवन सेवन थ्री थे उससे डबल ट्रिपल करो तो हमें एक आइलैंड दो पता नहीं सौ साल के लिए कुछ उस साल के लिए जो चाइना चाल चलने की कोशिश कर रहा है उन्हें कहो पहले वो वैसी डील हम जैसे उसने आ, की थी पाकिस्तान या श्रीलंका के साथ वैसे एक आइलैंड में कोई एक हमारे पास भी हो जहां से हम भी जो है जो चाइना करने की कोशिश करता है हम भी वहां पे अपनी मिलिट्री करके जो है वहां पे सर्वेलेंस कर सकें इस टाइप की चीजें करो फिर बात करेंगे ये दूसरी बात भैया क्योंकि तुम लोग तो चले जाते हो सिंगापुर या इधर उधर अपनी मेडिकल के लिए क्योंकि तुम अमीर हो पर हम लोग तो गरीब है हम कहा जाएंगे पहले नहीं सोचा था तुम ही इस गवर्नमेंट को लाए उन्होंने ना? मेरा तो हर जब भी वो दिखाते हैं कि लोग ये कर वो मालदीव्स के बोल रहे मेरा आंसर यही होता है यही मालदीव्स के लोगों ने इसी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है ये गवर्नमेंट कोई अपने आप तो आई नहीं थी मेजोर, मेजोरिटी जो जिसको इलेक्ट करेगी जिसको वोट देगी वही वो आएगा ना तो मेजोरिटी ने किसको वोट किया इस गवर्नमेंट को और क्यों वोट किया क्योंकि ये गवर्नमेंट बोल रही थी इंडिया आउट इसने हर जगह पे सबसे ज्यादा जो इन्होंने मतलब आ, आवाज जो की है कि हमारा ये है अगर तुम वोट करोगे तो उन्होंने यही बोला इंडिया आउट करेंगे हम और वो यहाँ के लोगों को मालदीव के लोगों को बड़ा अच्छा लगा उन्होंने कहा ओह भैया इंडिया आउट करेंगे हम इन्हीं को वोट देंगे अब भुगतो उसका नतीजा फिर तुम ही लोग हो जिन्होंने हम इंडियंस को बुरा बोला है कितनी हमारी बेजती की है हमारे प्राइम मिनिस्टर की बेजती तो की है? अब तुम बोलते हो मिनिस्टर्स ने किया अरे मिनिस्टर्स क्या तुम लोगों के नहीं लोग नहीं है क्या तुम ही ने उन इलेक्ट किया उनकी सोच और तुम्हारी सोच एक ही जैसी है तुम्हारे जो टूरिज्म वाले काम करने वाले होते हैं जो कमरों को साफ करते हैं जो रिसेप्शन में बैठे होते हैं जो खाना सर्व करते हैं ये सब लोगों ने तुम ही लोगों ने बतलो बत, अपने मालदीव में ये बात फैलाई कि इंडियंस जो होते हैं वो पैसा नहीं खर्च करते हैं इंडियंस के कमरों से स्मेल आती है वो स्मेल ही है ये सब किसने किया है भैया तुम्हारे ही लोग थे जो काम करते हैं जो सब हैं तो ये ये बात बहुत क्लियर है इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है देखिए मेरे को तो लगता है कि पहले टेम्पोरि बोलना चाहिए कि कुछ कुछ चीज़ें इंडिया नहीं करेगा टेम्पोरि जैसे आप बोल सकते हैं मेडिसिनस की शॉर्टेज हो रही है अब जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं मेडिकल टूरिज्म की टेम्परेरली थोड़ा बंद करके या रिड्यूस करके दिखाना पड़ेगा कि आपको इम्पैक्ट का शायद एहसास नहीं है वो होना चाहिए टेम्परेरली mm -hmm. अगर वो ना समझ हैं उनको समझ नहीं आया कि क्या करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी पॉलिटिक्स इतनी ज़बरदस्त है कि लोग भी उसमें बह के चले गए कि हाँ mm -hmm. ए, इंडिया आउट इंडिया आउट करते जाओ mm -hmm. इंडिया बोलेगा टेम्परेली हम आउट होते हैं फिर तुम देखो तुम्हारी लाइफ कैसे होगी उसके बाद जो है, जो है तुम्हारी रिक्वेस्ट आएगी तो इंडिया 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 इन, इन, करेंगे। इंडिया इन करेंगे इंडिया इन, अब फिर हम बात समझाना चाहिए क्योंकि आपको चाहिए क्योंकि हम अच्छे लोग हैं तो उसे बोलना चाहिए चलो तुम चाहते थे इंडिया आउट तुम चाहते थे इंडिया आउट तो इंडिया भी आउट हो रहा है इंडिया तुम्हें कुछ नहीं दे रहा कुछ नहीं इंडिया टोटली तुम्हारी जिंदगी से इंडिया आउट है तुम्हारी जिंदगी से आउट होने के लिए ना सामान तुम्हारे पास आएगा ना फैसिलिटी आएगी ना हमारे पास आ सकते हो तो इंडिया आउट हो गया टेम्परेरली ऐसा जीवन जी के देखो जब तुम्हें बहुत कुछ लगेगा तब बताना फिर हम इंडिया इन करने की कोशिश करेंगे ऐसा कोई मैसेज जाना चाहिए टेम्परेरली ये सब हॉल्ट करना चाहिए कि इंडिया आउट हो रहा है तुम्हारी रिक्वेस्ट पर इतना कुछ इंडिया दे तुमने रहा तुमने रिक्वेस्ट किया तुमने वोट किया तुमने अपने हाँ? गवर्नमेंट को जिताया जो इंडिया आउट करी तो थोड़ी देर के लिए इंडिया आउट का तुम देख लो कैसा होता लाइफ मतलब मालदीव को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने में इंडिया का कितना बड़ा हाथ है वो कह रहे इवन पानी जो करना साफ करना होता है उसकी, उसकी मशीनें भी यहां से बन के जाती हैं भाई देखो तो सही क्या मतलब इतना कुछ दे रहे हैं कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं लोन्स देते हैं इनको पता नहीं क्या क्या करते हैं और बदले में भारत को क्या मिलता है ये ये, ये इंडिया आउट मिलता है तो चलो अभिषेक अपने थॉट्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही देन टेक केयर एंड बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए